मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मजमूर में। आज के इस वीडियो का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि है इन चीजों पर। तो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं अलग अलग तरह के तवे और आज हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। तो डिफरेंट मटेरियल वाले हैं, कुछ कन्वेंशनल है जो हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो नए हैं मार्केट में। तो हम जानेंगे इनके मटेरियल के बारे में और इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा कौन सी चीज बनाने के लिए सूटेबल है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है ये लोहे का तवा। इसे मैं अपने कुकिंग ब्लॉग्स में यूज करती हूँ और आप में से काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये तवा आपने कहाँ से लिया। कहाँ से लिया इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। पहले बात करते हैं तवे की। ये है लोहे का तवा, ये हमारा ट्रेडिशनल लोहे वाला तवा है विथ अ हैंडल। तो इस टाइप के तवे में आपको इससे ज्यादा बड़े डायमीटर के भी मिल जाएंगे, आपको ज्यादा कर्व शेप वाले भी मिल जाएंगे। तो मुझे ये एक सही लगी साइज, जिस साइज की रोटियां हम बनाते हैं उसके हिसाब से। और हैंडल मुझे चाहिए था क्योंकि इस तरह का एक तवा मेरी मम्मी के पास है। ये तवा लगभग 10 साल पुराना है। मेरी मम्मी के पास जो तवा है ऐसा, वो आई थिंक मेरी एज का हो गया होगा, मेरे बचपन से है वो। उसका हैंडल थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका हैंडल और ज्यादा स्टर्डी और मजबूत है। तो हमेशा से मैंने देखा कि लोहे के तवे में अगर एक हैंडल हो तो काफी एक कन्वीनियंस ऐड कर देता है। इसलिए मैंने भी, जब मैं अपनी जॉब पर जा रही थी और मुझे अपना खाना खुद बनाना था जहां मैं रहने वाली थी वहां पर, तो मैंने एक अलग सा तवा खरीदा रिजेम्बलिंग जो मेरी मम्मी के पास है। तो ये तवा भी है हैंडल के साथ, बस इसका जो हैंडल है सीधा है। इसमें एक क्रैक आ गया है, पर ये लकड़ी का हैंडल है, काफी स्टर्डी है, तो अभी भी ये चल रहा है सालों से विद द क्रैक। तो अब ये जो लोहे का तवा है इसे हम यूज करते हैं हमारी नॉर्मल रोटी बनाने के लिए। यूज के साथ साथ एक हल्का सा नॉनस्टिक वाला इसका बिहेवियर हो जाता है, बट इतना भी नहीं होता है कि आप आराम से हर चीज़ को नॉनस्टिक बर्तन की तरह इस पर बना सकें। तो आज की रेट में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालकर अंडे का ऑमलेट बन जाता है बिना चिपके। डोसा वगैरह मैं यूजुअली इस पर बनाती नहीं हूँ क्योंकि डोसा बनाना ज़रा ट्रिकी हो सकता है, पर आफ्टर अ लॉन्ग यूज़ इस पर उत्तपम भी बन सकता है। मेरा ये कहना है कि इस तरह का लोहे का तवा आप रोज़ की जो रोटियाँ होती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। रोटी भाकरी यानी ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, चावल की रोटी, जो आप इसमें बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बात करते हैं हेल्थ की। तो लोहे का तवा है तो हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू इसमें है ही नहीं, आप सेफली इसे यूज कर सकते हैं। बट मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन तवों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि बहुत देर तक आप इन्हें पानी में डुबाए ना रखें, बहुत देर तक इन्हें गीला ना रखें क्योंकि लोहा है, लोहे पर जंग चढ़ जाता है। तवा धोने के बाद भी आप इसे इमीडिएटली पोंछ लें तो बेटर होगा ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे। आप एक बूंद तेल डालकर भी उस पर स्प्रेड कर सकते हैं ताकि जो तवा है एक हल्की सी शाइन बनी रहे, और मेन तो है कि इस पे जंग ना लगे, रस्ट ना लगे। आप इस तरह के तवे पर फिर भले वो इससे थोड़ा डीप हो या फिर शालो हो, इस पे थोड़ी सी सब्जी भी बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो बेसन होता है, पिठला होता है, वो इस पर बनाया जाता है, कॉमन है इस तरह की चीज़ें इस पर बनाना। या फिर अगर आपको ग्रेवीज के लिए प्याज भुनना है, मिर्ची भुननी है, वो भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। पर जैसे कि एक जो कॉमन बात है जिस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोहे पर जब भी आप कुछ खाना बनाते हैं तो उसमें स्टोर नहीं करना चाहिए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ज्यादा जो आयन है वो उतर जाता है खाने में और एक मेटलिक सा अजीब सा टेस्ट आ जाता है। तो जस्ट इन केस आप तवे पर ऐसी चीजें बनाते हैं रोटी के अलावा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अदरवाइज इसकी प्राइस और इसकी ड्यूरेबिलिटी और हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से ये तवा काफी अच्छा ऑप्शन है डेली रोटियां बनाने के लिए। नेक्स्ट है ये कास्ट आयन का तवा। ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है रीसेंट में, बट ये कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट या नया मटेरियल नहीं है, सालों से ये यूज़ होते आया है कुकिंग में कास्ट आयन। नॉर्मल लोहे के तवे से कास्ट आयन इस तरह से अलग है कि जो नॉर्मल लोहे का तवा होता है वो शीट्स से बनता है, आपको उसमें जॉइंट्स नज़र आ जाएंगे। लोहे के जो नॉर्मल अदर बर्तन होते हैं जैसे कि कढ़ाई होती है, तवा होता है, सब में आपको जो कान होते हैं या हैंडल होते हैं वहाँ पर जॉइंट्स दिखेंगे, लेकिन कास्ट आयन में आपको ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक सिंगल पीस होता है। लोहे को यानी जो आयन होता है उसे मेल्ट करके बनाया जाता है विदाउट एनी जॉइंट्स, और फिर कास्ट आयन के ऊपर सीजनिंग होती है। आजकल प्री सीजन कास्ट आयन के बर्तन अवेलेबल है, फिर वो तवा हो, कढ़ाई हो या फिर स्किलेट पैन जो भी हो। तो इनके ऊपर एक्चुअल तेल को डाल के इन्हें हीट कर करके एक लेयर चढ़ाई जाती है जिससे ये काफ़ी हद तक नॉनस्टिक हो जाते हैं, बट इनकी जो सीजनिंग है इन्हें मेंटेन करना पड़ता है। तो इस वजह से ये जो होते हैं ना, ये बर्तन काफ़ी हैवी होते हैं, कास्ट आयन के बर्तन हैवी होते हैं, एंड अगर ये गिर गए तो ये क्रैक भी हो सकते हैं। ये थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल आयन के बर्तन। तो यहाँ पर मेरे पास है कास्ट आयन का तवा,
इसके दोनों साइड पर हैंडल हैं, ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं और लोहे का जो तवा होता है, नॉर्मल लोहे का जो मैंने आपको इसके पहले दिखाया, वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। बट अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो ये थोड़ा सा समय लेता है लोहे के मुकाबले गर्म होने में, लेकिन गैस बंद करने के बाद भी ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो कास्ट आयरन के बर्तन काफ़ी देर तक हीट रिटेन करके रखते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का आप एक कास्ट आयरन का तवा ले सकते हैं। मेरे पास भी ये काफ़ी अच्छी ब्रांड का कास्ट आयरन का तवा है। इन सब की लिंक्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और क्योंकि ये सब पूरे मोल्डेड होते हैं तो हैंडल्स यूजुअली आपको कास्ट आयरन के मटेरियल के ही मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो हैंडल है, या तो इसमें आप एक ग्रिपर लगा के इसे पकड़े या फिर किसी कपड़े से पकड़े, क्योंकि ये पूरा बर्तन काफ़ी गर्म हो जाता है। अब जो ये कास्ट आयरन है, इसमें आप नॉर्मल रोटी भी बना सकते हैं। इस तवे को आप यूज़ करें, हेल्थ के हिसाब से ही बहुत अच्छा है। यूसेज एंड हैंडलिंग की बात करूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसका वज़न काफ़ी होता है। सेम साइज़ का तवा अगर आप नॉनस्टिक या फिर नॉर्मल लोहे में देखेंगे तो आपको इतना वज़नदार नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, आप जो भी इसमें बनाते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसे बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के ना धोएं। कुछ लोग कहते हैं कि केवल पानी से धोएं, बट मैं नॉर्मली ऐसा नहीं करती हूँ। आप हल्का सा जो डिश वॉशिंग लिक्विड है वो लेकर इसे धो सकते हैं, बहुत स्क्रब ना करें। और इसके बाद इसे स्टोर करने से पहले, यानी वापस अपनी अलमारी में रखने से पहले या फिर ट्रॉली, जहाँ भी आप इसे रखते हैं, एक पतली सी ऑयल की लेयर चढ़ा दें। और बीच बीच में इसकी सीजनिंग करने के लिए आप इसे तेल लगा के अच्छे से हीट कर सकते हैं, गरम कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कास्ट आयरन के बर्तन अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, बट ये आते हैं काफ़ी सारे मेंटेनेंस के साथ, तो आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपकी जो बेसिक इनके केयर वाले इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें फॉलो करेंगे तो ये बर्तन सालों साल चलेंगे, जो कि अपने आप में नॉनस्टिक है, बिना किसी नॉनस्टिक एक्स्ट्रा मटेरियल का यूज़ किए हुए। नेक्स्ट है ये हार्ट एनोडाइज तवा। तो अब ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस तवे का यूज़ क्या है। इसे यूज़ करके आप बना सकते हैं रोटियाँ। काफ़ी अच्छा मोटा हैवी तवा है। काफ़ी लोग जो नॉर्मल लोहे का तवा होता है उस पर सही से रोटी नहीं बना पाते हैं। मैं खुद पर्सनली जानती हूँ जो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि जल जाती है रोटी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ऐसे में आप एक हार्ट एनोडाइज तवा यूज़ कर सकते हैं। अब इसका मटेरियल जो है, ये क्या है, ये एक्चुअली अंदर से एल्यूमिनियम का तवा है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकली एक लेयर चढ़ाई जाती है, जो ये आप देख रहे हैं। ये एक तरह की कोटिंग ही है, जिस तरह से नॉनस्टिक कोटिंग होती है या फिर जिस तरह से कास्ट आयरन के ऊपर तेल की कोटिंग होती है जिससे वो सीजनिंग के बाद नॉनस्टिक जैसा हो जाता है, तो वैसी ही एक कोटिंग है। बट कंपेयर टू नॉनस्टिक, ये कोटिंग बहुत ज़्यादा टफ, हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है। तो ये आपके कुकवेयर को एक अच्छा वजन दे देती है और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बना देती है। तो हार्ड एनोडाइज तवा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कोटिंग की बात करें तो ये कोटिंग बहुत आसानी से नहीं निकलती है जैसे कि नॉनस्टिक बर्तन में होती है। तो हार्ड एनोडाइज तवे के ऊपर आप नॉर्मल मेटल का पलटा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर आप बहुत ज़्यादा स्क्रेप करने ना जाएं। अगर आप इंटेंशनली उसे बहुत ज़्यादा स्क्रब करने जाएंगे तो शायद ये लेयर निकल जाए, बट अदरवाइज हार्ड एनोडाइज दूसरे बर्तन हमने यूज़ किए हैं, बहुत आसानी से कोटिंग नहीं निकलती है, काफ़ी ज़्यादा टफ और अच्छी होती है। ये काफ़ी ईजी टू मेंटेन है कंपेयर टू लोहे का तवा। आपको इसको मेंटेन रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप इसे आराम से धो सकते हैं, इसमें कोई जंग नहीं लगेगा अगर ये गीला भी रह जाए। जस्ट दैट आपको बहुत ज़्यादा इसे स्क्रेप नहीं करना है, हल्के से ही वॉश करना है। मुझे खुद को लोहे का तवा बहुत पसंद आता है नॉर्मल रोटियां बनाने के लिए, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरी मदर इन लॉ ये प्रेफर करती है रोटियां बनाने के लिए। तो हार्ड एनोडाइज भी अच्छा है, वो भी आप किसी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। अलग अलग डायमीटर्स यानी अलग अलग साइज़ में आता है, तो आपके घर में नॉर्मली जो रोटियाँ बनती हैं उसके हिसाब से आप ये ले सकते हैं। डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट प्राइस रेंज में आपको ये मिल जाएंगे। और एक और चीज़ कि क्या ये नॉनस्टिक की तरह बिहेव करता है, ये आपकी क्वेरी हो सकती है, तो मेरा आंसर है नहीं। जैसे नॉनस्टिक बिहेव करता है कि आपने सपोज बिना तेल लगाए नॉनस्टिक बर्तन पर अंडा तोड़ दिया या फिर चीले का बैटर डाल दिया, डोसा डाल दिया, तो कुक होने के बाद वो आसानी से उठ जाता है।
पर हार्ड एनोडाइज में ऐसा नहीं होता है। इसे आप नॉनस्टिक ना समझें या इसे आप नॉनस्टिक का ऑल्टरनेटिव ना समझें। मे बी थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऑयल लगाएंगे तो वैसा वो बिहेव कर ले, बट अदरवाइज इस पे चीज़ें चिपकती हैं। तो अगर आपके पास हार्ड एनोडाइज तवा है, पैन है, कढ़ाई है, कुछ भी है, उसे आप नॉनस्टिक की तरह ट्रीट ना करें। दोनों चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं। तो अच्छा खासा हैवी तवा है ये, इसका जो डायमीटर है ये 26 यानी 26 सेंटीमीटर का ये तवा है। तो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। अब मैं जनरलाइज नहीं करूंगी कि ये तवा इंडक्शन कंपैटिबल है और ये वाला नहीं है, क्योंकि जो अलग अलग ब्रांड्स है, जैसा मेक है, उसके हिसाब से होगा कि भाई ये इंडक्शन कंपैटिबल है या नहीं। मेरे पास पास्ट में ऐसा भी तवा आई थिंक एक बर्तन रहा है जो हार्ड एनोडाइज्ड है, बट बेस की वजह से वो इंडक्शन कंपैटिबल नहीं है। तो इंडक्शन कंपैटिबिलिटी आप अलग से चेक कर सकते हैं। ये तवा है स्टेनलेस स्टील का, आई थिंक ये 25 सेंटीमीटर डायमीटर का है। थोड़ा सा छोटा है इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था उसके कंपैरिजन में। इसका अच्छा हैवी हैंडल है, काफ़ी अच्छा हैवी ये तवा है। बट इसमें जो आप ये ब्लैक कलर की डिज़ाइन देख रहे हैं, जो हाल फिलहाल में आपने नॉट जस्ट तवा पर, आपने पैन के अंदर देखी होगी, कढ़ाई के अंदर देखी होगी, बड़ी सुंदर सी एक डिज़ाइन, एक पैटर्न आपको नज़र आता है। तो ये जो अंदर इसके ब्लैक मटेरियल होता है, ये होता है नॉनस्टिक कोटिंग। तो स्टील इन कॉम्बिनेशन विथ नॉनस्टिक कोटिंग का ये तवा है, और ऐसे ही बर्तन जो आपको दिखते हैं वो भी स्टील विथ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉनस्टिक कोटिंग है। मेरे हिसाब से डायरेक्ट स्टील यहाँ पर अगर हो तो उस पर कुछ भी सेकना, यानी रोटी जैसी चीज़ें बनाना ज़रा मुश्किल हो सकता है, कंपेयर टू जैसे कास्ट आयरन या लोहे के तवे में बहुत आसानी से रोटी बनती है, तो शायद उसमें चिपक जाए। मैंने एकदम पूरा जो स्टील का तवा है ऐसा यूज़ नहीं किया है इससे पहले, और मैंने जानबूझ के उसे आज अवॉइड किया, और मैंने सोचा कि ये सिलेक्ट किया जाए। तो ये इस तरह का काफ़ी आजकल पॉपुलर भी हो रहा है। तो लेट मी टेल यू कि आजकल जो नॉनस्टिक कोटिंग्स आ रही है वो काफ़ी सेफ है, वो PFOA फ्री होती है। इसलिए आप जो एकदम लोकल या कोई भी जहाँ आप को लग रहा है कि रिलायबल ब्रांड नहीं है, ऐसी ब्रांड के नॉनस्टिक बर्तन आप अवॉइड करें। कोई अच्छी ब्रांड, जो अच्छी ब्रांड्स हैं जहां पर आपको क्लियरली ये दिख रहा है, मिल रहा है इंफॉर्मेशन की, अच्छी ब्रांड्स जो ये क्लियरली मेंशन करती है कि उनकी नॉनस्टिक कोटिंग में PFOA नहीं है, आप ऐसे ब्रांड के नॉनस्टिक कुकवेयर ले सकते हैं। तो PTF ही बेस्ड होते हैं, PFOA उसमें नहीं होते हैं। फुल फॉर्म में नहीं जाऊंगी, टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊंगी मैं, बट आप इतना समझिए कि आजकल अच्छे नॉनस्टिक कोटिंग वाले बर्तन भी आ रहे हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, सेफली यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कास्ट आयरन, लोहा ये अपने यूज़ में मैक्सिमम ले, बट कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे नॉनस्टिक चाहिए होता है। मतलब मैं सारे बर्तन अपने घर में रखती हूँ, बट आई मेक श्योर कि अच्छे ब्रांड का हो, और PFOA और बाकी जो हार्मफुल केमिकल्स हैं होते हैं उनसे वो फ्री हो। तो ये भी एक वैसा ही तवा है, तो स्टील का तवा है। इसमें आप ऑमलेट वगैरह बना सकते हैं, रोटी वगैरह के लिए भी अच्छा है। नॉनस्टिक कोटिंग है इसमें, और जो आप इस पर चम्मच कड़ची यूज़ करेंगे तो क्योंकि एक लेवल का डिफरेंस है नॉनस्टिक कोटिंग में और जो स्टील की डिज़ाइन है उसमें, तो आप आराम से पलटा वगैरह इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, स्टील का, लोहे का। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है स्टील तवे में, इन केस अगर आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं रेगुलर लोहे के तवे या फिर जो बाकी तवे होते हैं उनके कंपैरिजन में, तब आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आई होप अब आपको पता होगा कि ये जो डिज़ाइन है ये क्या है और ये क्यों है इस तवे के ऊपर। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ तवा है नॉनस्टिक। मेरे पास नॉनस्टिक में भी दो तीन डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वन बाय वन देखते हैं। तो नॉनस्टिक कोटिंग की जैसे मैंने बात की कि आप एक अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं PFOA फ्री, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसे धोते समय बहुत ज़्यादा घिस नहीं रहे हैं, हार्श कुछ भी इसके ऊपर धोते समय यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस पर कुछ भी बनाते समय आप मेटल का पलटा वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका नॉनस्टिक बर्तन जो है ज़्यादा स्टे करेगा, कोटिंग इसकी निकलेगी नहीं, और साथ में कोटिंग अगर नहीं निकलेगी तो वो आपके खाने में जाने के चांसेस भी नेग्लिजिबल या ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला जो है ये 30 सेंटीमीटर का है, इसकी भी लिंक मैं आपको दे दूँगी जैसे मुझे मिल जाएगी, ऑनलाइन ही लिया हुआ है। तो ये जो डिज़ाइन है इस ब्रांड की मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि ये वाकई में फ्लैट तवा है। अगर आप नॉनस्टिक तवा यूज़ करते हैं तो आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा कि जो नॉनस्टिक तवा होता है
हल्का सा सेंटर में उठ जाता है। हीट करेंगे तो वो थोड़ा सा और जब तक वो गर्म होता है वो उठ सा जाता है। अगर आपने ये प्रॉब्लम फेस की है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट तवा यूज़ किए हुए हैं और ये मुझे मिला जो बिल्कुल भी मतलब टोटली फ्लैट तवा है। तो अगर आपको ऐसा ही तवा चाहिए जिसमें एकदम जो आप बना रहे हैं डोसा हो उत्तपम हो एकदम फ्लैट रहे, जो बैटर आप डाल रहे हैं वो स्लाइड ना हो, क्योंकि ऐसा तवा नहीं है ये, तो कम से कम ऐसा भी ना हो, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बड़ा है साइज़ में, छोटी छोटी एजेस दी गई हैं, तो इस वजह से अगर आप रवा डोसा टाइप कुछ बना रहे हैं, नी डोसा बना रहे हैं, तो वो यहाँ से गिरेगा भी नहीं। तो फ्लैट होने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा तवा है। वज़नदार है, वुडन फिनिश का इसका हैंडल है, बट ये वुड नहीं है। बट एनीवे ये तो एस्थेटिक्स की बातें हो गई, ब्रांड टू ब्रांड डिज़ाइन कलर डिफर करेगा। नॉनस्टिक तवा काफ़ी वर्सेटाइल होता है, तो आप रोटी वगैरह अगर बनाना चाहते तो बना ही सकते हैं, बट इसके अलावा डोसा उत्तपम ब्रेड को टोस्ट करना या फिर जो सिंपल चीज़ें हैं जो नॉर्मली कबाब सेकना, फिश या ऐसे सिमिलर चीज़ें शैलो फ्राई करना जो नॉर्मल तवे पे चिपक सकती हैं, या आपको थोड़ा ईज चाहिए, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप नॉनस्टिक तवा यूज़ कर सकते हैं। बट ऑल्टरनेटिवली आप कास्ट आयन भी यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। मेंटेनेंस की बात करें तो कास्ट आयन की मेंटेनेंस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा कंपेयर टू नॉनस्टिक। नॉनस्टिक में आपको बेसिक बातों का ध्यान रखना है कि कुछ भी अब्रेसिव यानी घिसने वाला कोटिंग निकालने वाला यूज़ नहीं करना है, बट अदरवाइज इसमें जंग नहीं लगता है, आपको इसकी सीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मेंटेनेंस रिलेटिवली ईजी है। बट हाँ, कोटिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट मेरे पास एक और नॉनस्टिक तवा है, ये दूसरी ब्रांड से है और इस तवे में अच्छी मोटी ऊंची या फिर डीप कह लो एजेस दी गई है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हद तक फ्लैट है, एकदम हल्का सा बहुत स्लाइटली ये उठा हुआ है, बीच से ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। तो अगर आपको मे बी प्राइस के हिसाब से साइज के हिसाब से ये मॉडल भी आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हो, इट्स क्वाइट फ्लैट। तो ये भी अच्छी ब्रांड से है, अच्छी ब्रांड का अच्छा नॉनस्टिक कुकवेयर आप ले सकते हैं। ओकेजनली आप चाहें तो यूज़ करें, जहाँ पर आपको लग रहा है कि नॉनस्टिक आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है वहाँ पर आप नॉनस्टिक यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांड्स, तो ये भी मेरे पास एक नॉनस्टिक तवा है। तो ये एक और मेरे पास नॉनस्टिक तवा है जिसका बैक साइड में मटेरियल यहाँ पर हार्ड एनोडाइज्ड है, क्लियरली मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर नॉनस्टिक कोटिंग है। तो अच्छा खासा हैवी तवा है, ये भी काफ़ी अच्छा है और ये हल्का सा स्लाइटली कर्व्ड है बीच में। बट ये जो तीनों तवे मैंने आपको दिखाए ये काफ़ी अच्छे ब्रांड के हैं, थोड़े से हायर ऑन प्राइस हो सकते हैं, बट इस वजह से ये काफ़ी हद तक लेवल्ड है। ये जो तवा है, इस ब्रांड का तवा मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है, तो मुझे पर्सनली ये पसंद है। तो ये जो तीन मैंने आपको दिखाए ये तीनों के तीनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दे आर गुड क्वालिटी, थोड़े से प्राइसी है बट वर्थ द इन्वेस्टमेंट है। तो आप किसी भी अच्छी ब्रांड का अगर इस तरह का कुछ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टिक जाता है। बट हाँ, जो भी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ हो, फिर वो खाना बनाने की हो या फिर घर के डेकोर की हो, मेंटेनेंस तो साथ में आता ही है। अगर आप वो सही से फॉलो करेंगे तो आप अपनी चीज़ों को सालों साल अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उनके आंसर देने की। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, पसंद आया हो तो लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।